हेलो दोस्तों, आज हम आपके लाए क्लास 10 प्रश्नावली 2.2। ठीक है, कल हमने इस प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल किया था। ठीक है, पहले खंड के हमने सब सवाल हल कर लिए थे। ठीक है, हम दूसरे सवालों को हल करेंगे, मतलब दूसरे खंड के सवालों को हल करेंगे। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हो। ठीक है, हमें यहाँ पर दो शून्य दी गई है। ठीक है, जैसे कि एक शून्य ये है और एक शून्य हमारा ये है, इसे हमें किसमें बदलना है? किसमें बदलना है? द्विघात बहुपद में। ठीक है, किसमें? द्विघात बहुपद में। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए एक सूत्र है यहाँ पर, आप लिखिए सूत्र। ये एक हमारा सूत्र है, क्या है सूत्र? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इस तरीके से प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर इंटू है, आप इंटू लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारे एक सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र से हम द्विघात बहुपद को निकालते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं यहाँ पर। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है 1/4, -2। ठीक है, हम इसको एक अल्फा मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, बीटा मान लेंगे। ठीक है, कैसे? अल्फा प्लस बीटा बराबर हम इसको मानेंगे 1/4 को। ठीक है, कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, उस सूत्र में से फिट कर देंगे। कैसे? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा एक सूत्र। ठीक है, ये सूत्र हमारा किसका सूत्र है? द्विघात बहुपद। किसका है हमारा? द्विघात बहुपद का क्या है, हमारा सूत्र। ठीक है, एक तरीका का ये हमारा सूत्र है। हम क्या करेंगे, के को के रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हम क्या रहनेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1/4। ठीक है, 1/4 एक्स है, इसमें मतलब इसकी से गुणा हो जाती है, जैसे हमने कल के सवालों में मैंने किया था उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला हम क्या रखेंगे, माइनस का 1। तो माइनस का 1 इस तरीके से हम कर देंगे, के का के, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे। अभी हमारी द्विघात सूत्र, वो द्विघात बहुपद है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये बट्टे में संख्या लगी हुई है। हम क्या करेंगे, इस चार को हटा देंगे। कैसे, क्या करेंगे हम, के की जगह हम क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। ठीक है, के की जगह हम क्या कुछ मान लेते हैं। ठीक है, कैसे मानेंगे, हम रखेंगे यहां पर के बराबर एक रखने पर, के बराबर हम क्या रख देंगे, एक रख देंगे यहां पर। ठीक है, तो क्या कर देंगे, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 1। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, देखते हैं आपको। हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक ही हम इससे करते, इस सबसे करते हैं, क्या करते हैं, गुणा। एक अगर एक्स से करेंगे तो हमारा एक एक्स हो जाएगा। तो हम एक एक्स को लिखें या नहीं लिखें, हमारी मर्जी। ठीक है, क्या कर देंगे, नहीं लिखते। ठीक है, हम एक्स का एक्स स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, माइनस एक एक एक्स बट्टे में 4 माइनस 1। ठीक है,
इस तरीके से हम कर देंगे सवाल को, इस तरीके से हम कर देंगे। और अब ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे द्विघात बहुपद बन गए, क्योंकि द्विघात बहुपद किस तरीके का होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई प्लस सी। ए है यहाँ पर, मतलब एक चर है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर भी है माइनस बी भी है हमारा, एक एक्स भी यहाँ पर प्लस सी भी है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसका नीचे की कोई मतलब नहीं था हमारा, उस तरीके से हमारा एक सूत्र की तरह बन जाए, ठीक है। हम इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपको उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा, तो आप इसको उतार लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपका नेक्स्ट सवाल लेता हूँ, मैं आपका नेक्स्ट सवाल की जगह मैं थर्ड सवाल लेता हूँ, ठीक है। वो बहुत ही आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सरल अभी अभी इजी सवाल लूंगा, इसलिए आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे ये भी इजी सवाल ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट दो कॉमा एक बट्टे रूट तीन, रूट दो यहाँ पर, ठीक है, रूट दो कॉमा एक बट्टे तीन, रूट दो कॉमा एक बट्टे तीन, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्या मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट दो, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मानेंगे, एक बट्टे तीन। अब क्या लगाएंगे हम, द्विघात सूत्र, ठीक है। क्या द्विघात सूत्र, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा द्विघात सूत्र है। के रहने देंगे, एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट दो प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, इसी से गुणा हो जाएगी, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा एक बट्टे तीन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मतलब के बराबर हम क्या रख देंगे, एक रख देंगे, ठीक है। के बराबर हम एक रख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ये हमारा ऑलरेडी ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया, अगर इसके आगे के लगा हुआ है तो हमारा वह द्विघात बहुपद नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, के की जगह एक रख देते हैं, क्योंकि एक का मान हम किसी से करते हैं तो वो बहुत ही छोटी संख्या हो जाती है, ठीक है, उसकी गुणा होती नहीं, लिखी नहीं जाती इस तरीके से। जैसे कि हम के बराबर कर दे एक रखने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस एक बट्टे तीन, अगर हम इसकी एक से कर देंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर एक की एक से करेंगे तो एक एक्स के हम एक्स ही रह देते हैं, तो अभी हमारी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अगर हम इसके आगे एक लगा देते हैं फिर भी हमारी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम इसको एक नहीं लगाते, इसलिए माइनस रूट टू एक्स, अगर हम इसकी दो से करेंगे तो दो ही आएगा हमारे गुणा, मतलब प्लस एक बट्टे तीन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा द्विघात बहुपद, बहुपद, ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो इसी सवाल हम आपका नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं, ये आपका सेकंड सवाल है, आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखते हैं, यहाँ पर जीरो जीरो कॉमा रूट फाइव अल्फा प्लस बीटा बराबर इसको मानते हैं जीरो कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर किसको मानेंगे रूट पांच को, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, द्विघात सूत्र लगाएंगे अपना,
द्विघात सूत्र वो हमारा क्या है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा द्विघात सूत्र है। ठीक है, यहां पर के का के एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा जीरो है, एक्स का तो एक एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट फाइव है। ठीक है, यहां तो हम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम के की जगह हम अभी हमारा अगर हम इसका के हटा दें, अगर हम इसका के हटा दें तो ये हमारा द्विघात सूत्र है क्योंकि हमारा ये ए है, ये हमारा अगर हम इसका एक मान लें, ठीक है, ये हमारा ए एक्स हो गया, बी वाई हो गया, प्लस सी हो गया। ठीक है, इस तरीके की फॉर्म में ये है, इसलिए हमारे क्या है, ये द्विघात सूत्र है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर इसके आगे के लगा हुआ है तो ये हमारा द्विघात सूत्र नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं के रखते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, यहां पर हम के बराबर एक रखने पर आपकी मर्जी, यहां पर आप के बराबर एक रख लें या दो रख लें या कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं एक रखता हूं क्योंकि ए से ज्यादा लंबी कैलकुलेटर मतलब ज्यादा लंबी चौड़ी हमें गुणा भाग नहीं करनी पड़ती, इसलिए हम एक सिंपल ए मानते हैं क्योंकि हमारा हम ए मानते हैं। ठीक है, ज्यादातर एक्स स्क्वायर इससे हम इससे गुणा करेंगे, एक की एक्स करते तो एक एक्स हो जाएगा माइनस एक एक्स कर सकते हैं हम, या हम सिर्फ एक्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक के जीरो से करेंगे गुणा तो जीरो ही आएगा, जीरो एक्स प्लस रूट के करेंगे रूट फाइव के तो रूट फाइव ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा द्विघात सूत्र है, ये क्या होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसलिए आपका नेक्स्ट सवाल है, अगर आप लोगों को मेरा कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, तो मैं उस सवाल को सिखाने के लिए आपको नया तरीका या इसी तरीका लेकर आऊंगा। ठीक है, इसी की तरह हम आपका फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक कॉमा एक, यही है आपका, हाँ एक कॉमा एक, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक, अल्फा इंटू बीटा बराबर एक। अब द्विघात सूत्र क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर प्लस है, बार बार इंटू लग जाता है गलती से, उस पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, के का के रहने देना है, एक्स का एक्स रहने देना है, माइनस इसको हम क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा एक है हमारा, एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारे एक एक्स मतलब इसकी एक से हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, इसकी एक्स से कर देते हैं गुणा, इसी तरीके से हम प्लस यहां पर भी एक है तो एक, हम क्या करेंगे, ये हमारा द्विघात सूत्र बन गया, पर हमारा के हटाना जरूरी है, पर के बराबर एक रखने पर। ठीक है, के बराबर एक रखने पर, चलो के बराबर हम चार रखते हैं, यहाँ पर आपके चार रखते हैं। ठीक है, और के क्या करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स प्लस यानी फोर एक्स प्लस फोर, तो ये हमारा क्या हो गया द्विघात सूत्र हो गया, द्विघात बहुपद हो गया ये हमारा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, इस तरीके से मैं आपका फिफ्थ में क्वेश्चन एक बट्टे चार माइनस एक बट्टे चार, एक बट्टे चार। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम किसको मानेंगे, माइनस एक बट्टे चार को, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम किसको मानेंगे, एक बट्टे चार को, यहां पर माइनस यहां पर प्लस है। ठीक है, के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है यहां तक। साथ के का के, एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का एक बट्टे चार, इसे क्या कर देंगे एक्स से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, हम थोड़ी देर बाद करेंगे हम, एक बट्टे चार, ठीक है। के का के, एक्स का एक्स स्क्वायर, इसकी सम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस माइनस, यहां पर ये हमारा माइनस का तो प्लस का, प्लस का क्या हो जाएगा एक एक एक्स बट्टे चार प्लस एक बट्टे चार, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे सवाल को, यहां तक कोई समस्या नहीं आई होगी आप लोगों को। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप इसका के हटा देंगे तो भी आपका आंसर सही होगा, या आप और कुछ भी कर लेंगे तो आप भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, के बराबर एक रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं हम, एक ही रखते हैं, के बराबर एक रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स बट्टे में चार प्लस एक बट्टे चार, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया द्वि घात, ये क्या हो गया हमारा द्वि घात बहुपद, ठीक है। जो आपकी जो उत्तरमाला है उसमें यहाँ पर उन्होंने चार माने, ठीक है, यहाँ पर चार माने, फिर ये क्या कहेंगे यहाँ पर चार हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे चार हो जाएंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे चार। इनने यहां से इसको क्या कर दिया काट दिया, फिर इसमें इसमें काट दिया, ठीक है, चार एकम चार, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक, इस तरीके से ये हमारा द्वि घात बहुपद है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने आंसर निकाला है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आपका लास्ट सवाल और ये प्रश्नावली का लास्ट सवाल, वो भी बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। कौन सा सवाल है अभी, चार कॉमा एक, ठीक है, पूछते हैं सर अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें किसको मानना है, एक इसको मान लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम किसको मानते हैं एक को मान लेते हैं, द्वि का सूत्र लगाएंगे हम के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहां पर बीटा ये, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मजला कोष्टक, ठीक है, एक निशान है ये, अभी आपका इतना मेहतर नहीं है इसका, इसीलिए एक्स स्क्वायर सबसे पहले अगर आपको इन सवालों को करना है तो सबसे पहले ये वाला कोष्टक हटाना होता है, तो ये वाला जो निशान लगा हुआ है ये हमारे ये छोटे ने हम क्या कहते हैं ब्रेकेट कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रेकेट, ठीक है, पहले आपको इन ब्रेकेट को हटाना है, उसके बाद आप इसको हटा सकते हैं, सबसे पहले ये छोटे हटते हैं उसके बाद इसे हटाया जाता है, ठीक है। तो माइनस इसको क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हमारा चार एक्स हो जाएगा, ठीक है, इससे गुणा कर देता हूँ डायरेक्टली,
अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या है, एक है। के बराबर हम एक रख देंगे, के बराबर एक रखने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन ये हमारी क्या हो गई, दुई दुई घात बहु पद। ठीक है, ये क्या हो गया, दुई घात बहुपद। तो इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली 2.2 के सभी सवालों को हमने हल कर दिया। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। तो इसी के साथ आपके प्रश्नावली 2.2 खत्म हो गई थी, और हम कल आपको मिलेंगे प्रश्नावली 2.3 में। ठीक है, तो थैंक यू, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म।